कोण बनशे महाराष्ट्रना मुख्यमंत्री? 288 सीटों वाली विधानसभा में 235 सीटों की साथ महायुति की प्रचंड जीत थी है। आम सौथी वधारे बीजेपी ने 132 सीट मिली है और बीजेपी इच्छे छे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व में 57 बैठकों साथ शानदार वापसी करना शिवसेना एक साथ शिंदे ने फरीथी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फरीथी मुख्यमंत्री पद पर जोवा मांगे छे। आ तरफ सूत्रों तरफ थी समाचार मळ्या छे के गठबंधन ना त्रीजा भागीदार अजित पवार नी एनसीपी देवेंद्र फडणवीस ना नाम पर सहमत थई गई छे, परंतु जाहिर में त्रणेय पक्षों कही रह्या छे के मुख्यमंत्री ना नाम पर साथे बेसीने निर्णय लेवामां आवशे। જ્યારે ભાજપના નેતા નીતિશ રાણેએ કહ્યું કે ભાજપને સૌથી વધુ બેઠકો મળી છે, તેથી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી બનાવવા જોઈએ। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक के जवान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगत और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना, तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। मगर आखिर में महायुति की सरकार है, जो कुछ भी हमारे सीनियर लीडरशिप बैठ के सोचेंगे वैसे ही होगा। तो आ समाचार पर विगत आपवा संवाददाता विवेक गुप्ता अपनी साथे जोड़ाई गया छे। विवेक जी, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो रही है? झंडा देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला नाम सबसे ज़्यादा आगे है वो है बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का। आपको बताना चाहेंगे कि महायुति 288 पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी सिर्फ 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो 133 सीटें जीत कर सामने आई हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी नंबर वन पार्टी है और इसी वजह से जो सबसे आगे नाम चल रहा है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के नए सीएम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार महाराष्ट्र में एक बार फिर एक सीएम और दो डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र विधानसभा में की पोर्टफोलियो की बात करें तो 42 पोर्टफोलियो हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। 25 से 30 पोर्टफोलियो अपने साथ रखना चाहती है। वहीं शिंदे कैंप को 10 से 12 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं और अजित पवार गुट को 8 से 10 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन पोर्टफोलियो है वो बीजेपी के नेता और बीजेपी की जो पार्टी है वो अपने साथ रखना चाहती है। चाहे वो हम PWD की बात करें या फिर होम मिनिस्ट्री की बात करें, ये बीजेपी अपने साथ रखेगी। और ये भी जानकारी मिली है कि मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में CMO सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाली 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को महाराष्ट्र के नए सीएम को चुना जाएगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस नए सीएम बन सकते हैं, उनके साथ साथ दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उस दिन शपथ ले सकते हैं। ये जो खबरें हैं वो सूत्रों से आ रही हैं, इसकी सिर्फ औपचारिक और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आज सभी बड़े पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे और अजित पवार आज दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होनी है जहाँ पर फाइनल कॉल लिया जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होंगे। झंडा जी, विवेक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।